प्रोग्राम के अंदर कौन आता है कौन नहीं जाता, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाने और अलायंस के प्रति सवालों में आप लोग उलझाने का काम ना करें। क्या गडकरी जी आए उस समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री दोनों पूरा दिन उनके साथ नहीं रहे? आज प्रदेश की सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन है और उस गठबंधन को हमने 4.5 साल बड़े मजबूती से निभाया और मुझे कोई संशय नहीं है कि आगे भी उसके अंदर कोई हमारे मतभेद और मनभेद है। मुझे लगता है आपको भी अब चटकारा आने लग गया कि हम दिखते और यही सवाल आप पूछते हो। मैं तो 3.5 साल में जब भी आपके साथ बैठा हूँ सबसे पहला सवाल ये पूछते हो ऑल इज वेल, मैं कहता हूँ ऑल इज वेल और ये आपको बोल देता हूँ जिस दिन नॉट वेल होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं। आज प्रदेश के अंदर ये अलायंस ही स्टेबल गवर्नमेंट दे पाया और स्टेबिलिटी के कारण चाहे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को सक्षम करने की बात हो, चाहे सूरजमुखी जिसके लिए धरना हरियाणा में हुआ उसको इंडिया में हाईएस्ट रेट पे खरीदने की बात हो, आज कांग्रेस के साथियों से राजस्थान का कर्नाटक का रेट लेके देखो सूरजमुखी का, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में 4200 से 4300 रेट नहीं कर पाए और हम 6050 तो आज खरीद के हटे। अगर ये हो पाया है तो एक अलायंस जो मजबूत है और किसान की चिंता करता है उसके फैसले से हो पाया। आज बुढ़ापा पेंशन हुड्डा जी कहते मैं 6000 कर दूंगा, 10 साल में 700 रुपये बढ़ाई थी, हमने तो 3 साल में 750 रुपये बढ़ा दी। आज प्रदेश के अंदर गांव में बात क्या आती है, गली नाली की नहीं, आज बात आती है लाइब्रेरी बना दो, ग्राम सचिवालय बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो, विजन हमारी सरकार ने दिया है और मुझे लगता है यही दोनों पार्टियों का मिलकर चलना मजबूती से हरियाणा प्रदेश को विजन दे पाया। आज 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियों का हरियाणा प्रदेश में आना, हुड्डा साहब ने तो लठ मार मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी, क्या मारुति गुजरात नहीं गई थी, हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम उन लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में जिसमें 13,000 एम्प्लॉयज आने वाले समय में काम करेंगे 2025 से। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव कर पाए।